जहां पूरे देश में लगे लॉकडाउन के चलते लोगों के सामने रोटी और रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी बीच कुछ लोग रेट से अधिक दामों पर जरूरतमंद सामानों की आपूर्ति करने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया छाता तहसील के गांव गुहारी से, जहां पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहा एक हॉकर गैस एजेंसी संचालक के कहने पर रेट से अधिक पैसे वसूल रहा था। मामला छाता तहसील के गांव गुहारी का है, जहां पर कोसी गैस सर्विस की गाड़ी गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए पहुंची, जहां पर ग्रामीणों को हॉकरों के द्वारा गैस सिलेंडर दिए गए, लेकिन ये गैस सिलेंडर रेट से अधिक पैसा लेकर दिए जा रहे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो कोसी गैस सर्विस की गाड़ी पर मौजूद हॉकर ने इसे गैस एजेंसी संचालक की मनमानी बताते हुए बताया कि अपने अधिकारियों के कहने पर ही वो सभी से अधिक पैसा वसूल रहे हैं। एक तरफ तो देश में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के सामने रोटी और रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं ऐसे में गैस एजेंसी संचालक द्वारा अधिक पैसे वसूले जाने से ग्रामीणों में रोष पैदा हो गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन हॉकर नहीं माने और पूरा पैसा वसूलते रहे। जब इसकी जानकारी मंच न्यूज संवाददाता चौधरी भगत सिंह को हुई तो वो हॉकरों के पास पहुंचे और उन्होंने हॉकरों से बातचीत की तो हॉकरों का कहना था कि ये सब वो अपने अधिकारियों के कहने पर कर रहे हैं। वहीं हॉकर का कहना था कि आप इस संदर्भ में ऑफिस जाकर बात कर लीजिए। क्या नाम है भैया तुम्हारा? नवीन। नवीन, कौन सी एजेंसी से आई गैस? कोसी गैस सर्विस। कोसी गैस सर्विस इंडियन। तो कितने का दे रहे हैं सिलेंडर? 751 का रेट है। आप कितने ले रहे हो? 770। वो क्यों? ऑफिस यार तुम बुकिंग करवाई हो जी। ऑफिस जाए। क्यों ले रहे हो भैया? वो ऑफिस बात कर लो जी। ऑफिस बात कर ले। हाँ, उन्होंने बोल रखा है 770 का देना है। ऑफिस के बाद जाए। कौन सी जगह है कोसी में ऑफिस? बाईपास कोसी कलर। बाईपास कोसी। हम आपको बता दें कि एक सिलेंडर रिफिल कराने का रेट 751 रुपए है, जबकि हॉकरों के द्वारा 770 रुपए की वसूली की जा रही थी। फिर भी ग्रामीण क्या करते, उन्होंने मजबूरी में 770 रुपए देकर अपने गैस सिलेंडर ले लिए। वहीं मीडिया कर्मी के पहुंचने के बाद हॉकर ने और अन्य ग्रामीणों को 751 रुपए में ही सिलेंडर उपलब्ध कराया। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम बिहार। कहाँ के रहने वाले? श्याम बिहार। तो बताएं, आप गैस लेके जा रहे हो सिलेंडर, तो कितने का दिया है? 770 का दे रहा हूं जी। अब 51 का दिया। तो अब 51 का क्यों दिया? 751 का आपको देख दिया, यानी पहले 770 का ही वितरण कर रहा था। हाँ, 770। तो कहाँ से आती है गाड़ी? गाड़ी कोसी कला से आती है। कोसी कला से। यानी आप मानते हो कि 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं? 20 रुपए हर चक्कर पे लेता है जी। हर बार लेते हैं? हर बार लेते हैं। क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले? वारी। अच्छा बताएं, ये सिलेंडर जो आपके यहाँ डिलीवरी करने आए इंडियन के, तो कितने का सिलेंडर दिया है? 770 रुपए का। 770, जबकि आपको पता है कि 751 का रेट है। हाँ जी। फिर 770 का क्यों दे रहे हैं? अब ये भाड़ा वाड़ा ले रहे होंगे इसका? भाड़ा नहीं होता इसका। फिर ये क्यों काट रहे हैं? वहीं जब इस संदर्भ में आपूर्ति इंस्पेक्टर गौरव महेश्वरी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। तो उस पे 19-20 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, जबकि रेट कितना है सर? 751 रुपए का रेट है। और अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस तरीके की अनियमितता की जा रही है और संबंधित गैस एजेंसी की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की उचित कार्रवाई को अवगत करा दिया है। तो सर 19-20 रुपया जो लिए जा रहे हैं, दिन में कम से कम 1000 सिलेंडर वो वितरण करते होंगे, तो ये ब्लैक मनी कहाँ जाती है सर? इसकी जांच का विषय है, जांच करके जो भी कार्रवाई होगी उससे संबंधित उचित अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की अनियमितता की गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।